एडवांस वेब डिजाइनिंग का SOP 3। SOP 3 का क्वेश्चन है, क्रिएट अ वेबसाइट यूजिंग HTML एंड CSS कोड टू डिजाइन अ वेब पेज एज फॉलोज। द फर्स्ट पेज विल एक्सेप्ट द नेम ऑफ द ट्रैवलर, डेट ऑफ ट्रैवल, टेलीफोन नंबर एंड इट हैज अ सबमिट बटन एज एन इमेज। द सेकेंड वेब पेज हैज इंफॉर्मेशन अबाउट द नेम ऑफ द ट्रांसपोर्टर, टाइम, सीट नंबर, डेजिग्नेशन, डेस्टिनेशन डिस्प्लेड वन बिलो द अदर इन द फॉर्म ऑफ अनऑर्डर्ड लिस्ट एज नेम ऑफ ट्रांसपोर्टर एशिया एयर, सीट नंबर B39, डेस्टिनेशन दिल्ली। बोथ पेजेस शुड बी इंटरलिंक्ड, मतलब आप फर्स्ट पेज से सेकेंड पेज से फर्स्ट पेज में जा सकते हैं। एंड क्रिएट एक्सटर्नल CSS विथ रेलिवेंट टैग्स। सो लेट स्टार्ट, ये हमारा क्वेश्चन है, क्रिएट अ वेब पेज। तो आपको दो पेजेस बनाने हैं, फर्स्ट पेज एंड सेकेंड पेज। फर्स्ट पेज में आपको एक फॉर्म बनाना है जिसमें सबमिट बटन एक इमेज की तरह होगा। तो स्टार्ट कैसे करना है, उसके लिए आपको स्टार्ट पे क्लिक करके यहाँ पर नोट पैड सेलेक्ट करना है, या फिर आप स्टार्ट बटन पर नोट पैड टाइप कीजिए। ये देखिए, आपको नोट पैड मिल जाएगा। अब ये एक ब्लैंक स्क्रीन है, मैं आपको यहाँ पर कोड बताती हूँ कैसे करना है। पहला टैग है आपको डॉक्यूमेंट टाइप HTML, फिर आपको HTML टैग लिखना है और इसका एंडिंग टैग हो जाएगा /HTML। फिर हेड के अंदर आ जाएगा टाइटल, टाइटल के अंदर हमारा है फर्स्ट पेज, तो मैं इसको नाम दे देती हूँ फर्स्ट पेज। फिर हमारा हेड क्लोज हो जाएगा और बॉडी के अंदर है H1 ट्रैवलर, तो ये जो H1 है इसमें हम डालेंगे ट्रैवलर। फिर हमको एक फॉर्म क्रिएट करना है, फॉर्म फर्स्ट नेम आ जाएगा और इसमें हम डालेंगे इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, तो ये पूरा सेंटेंस ऐसे आएगा, फर्स्ट नेम प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद टाइप इक्वल टू टेक्स्ट और इसका नेम हो जाएगा नेम, देन डेट ऑफ ट्रैवल, तो इनपुट टाइप इज डेट एंड नेम इज ऑल्सो डेट। फिर टेलीफोन नंबर, इसका इनपुट टाइप हो जाएगा टेलीफोन एंड नेम हो जाएगा फोन। एंड दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड, इसको हम रिक्वायर्ड बना रहे हैं तो इसमें आपको डेटा इंसर्ट करना ही पड़ेगा फॉर्म में। फिर इसके बाद आपको एक कनेक्शन क्रिएट करना है सेकेंड पेज डॉट HTML में और वहां पे आपको एक सबमिट बटन देना है। तो जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो ये पेज सेकेंड पेज से कनेक्ट हो जाएगा। तो हम पहले इसको सेव करेंगे एज फर्स्ट पेज। अब मैं क्लिक करती हूँ फाइल सेव। अब आप डी ड्राइव में कोई भी एक फोल्डर बना सकते हैं। ये देखिए, मैंने डी ड्राइव इसके अंदर एक फोल्डर बना दिया है HTML प्रोग्राम 12। इसमें मैं दे देती हूँ फर्स्ट पेज firstpage.html। ओके, तो ये एक मेरा HTML फाइल बन गया। अब मैं देखती हूँ इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है। आपको HTML में जाके ये फर्स्ट पेज, ये हमने अभी प्रोग्राम बनाया, मैं इसे डबल क्लिक कर लेती हूँ। जैसे ही डबल क्लिक करेंगे ये देखिए, ये प्रोग्राम H1 हेडिंग में ट्रैवलर आ गया, फिर उसका फर्स्ट नेम आ गया। फर्स्ट नेम में मैं लिख देती हूँ मेरा खुद का नाम पुष्पा, फिर मेरा डेट ऑफ बर्थ है, तो ये डेट ऑफ ट्रैवल है तो मैं आज की डेट ही सिलेक्ट कर लेती हूँ। फिर टेलीफोन नंबर, इसमें मैं कोई भी एक नंबर डाल देती हूँ, बट यहाँ पर सबमिट बटन, ये सबमिट बटन मेरा डिस्प्ले नहीं हुआ, मतलब अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर नया टैब ओपन करना है और यहाँ पर सबमिट बटन का एक इमेज सर्च करना है, SUBMIT सबमिट बटन इमेज। ये देखिए सबमिट बटन इमेज, अब आपको बहुत सारे सबमिट बटन मिल गए, आप इसमें से जिस टाइप का चाहिए ये ले लीजिए। ये देखिए, मैं ये वाला सबमिट बटन सेव इमेज एज इस पे क्लिक करती हूँ, तो यहाँ पर अब मुझे माई कंप्यूटर के अंदर डी ड्राइव में HTML प्रोग्राम इसके अंदर सेव करना है। इसका नाम देती हूँ SUBMIT सबमिट। ओके, तो ये मेरा इमेज सेव हो गया। अब मुझे वापस मेरे प्रोग्राम में जाना है, कोड में जाना है। ये देखिए मेरा कोड है, इसमें जाके जहाँ पे कोडिंग किया था वहां पर हम देते हैं सबमिट डॉट, ये JPEG फाइल है तो मैं इसको JPEG दे देती हूँ नाम। फिर भी आप एक बार चेक कर लीजिए इसका फाइल टाइप, साइज और वो सब से ठीक होना चाहिए। अभी
ये फाइल टाइप है जेपीईजी, ये देखिए आपको दिख रहा है फाइल का टाइप जेपीईजी, तो सबमिट डॉट जेपीईजी। ठीक है, तो अब ये फाइल को मैं सेव करके वापस इसको एक बार रन करके दिखाती हूँ, तो पता चल जाएगा ये रन होगा कि नहीं। ये मैं ब्राउजर पे जाके यहाँ पर फर्स्ट पेज, ये देखिए मैं इसको रिफ्रेश कर देती हूँ, ये देखिए अब ये सबमिट बटन आ गया है। तो वापस एक बार फॉर्म फिलअप करते हैं कि USHPA, फिर डेट हम आज की डेट ही डाल देते हैं, और फिर 99, और ये सबमिट बटन पे क्लिक कर दिया। अब आपका जो सेकेंड पेज, सेकेंड पेज डॉट HTML, ये भी आपको क्रिएट करना है। तो इसका कंटेंट्स क्या है कि आपको एक HTML का पेज क्रिएट करना है, और वहां से आपको डिस्प्ले करना है कि नेम जो आपके एग्जाम्पल में दिया हुआ है वो आपको डिस्प्ले करना है। तो मैं आपको दिखाती हूँ अब सेकेंड पेज कैसे क्रिएट करना है। ये हम नोटपैड पे जाते हैं, ये हमारा फर्स्ट पेज था, अब हम न्यू पे क्लिक करके ये सेकेंड पेज पे जाते हैं। तो सेकेंड पेज पे आपको क्या लिखना है, डॉक्यूमेंट टाइप HTML, HTML का हेड, फिर यहाँ पर टाइटल टैग में आप लिख सकते हैं SECONDPAGE, ये सेकेंड पेज हो गया। फिर कॉन्ग्रेट्स, प्लीज चेक योर डिटेल्स, फिर नेम ऑफ ट्रांसपोर्टर एशिया एयर, सीट नंबर B39, डेस्टिनेशन दिल्ली। ओके, और ये कनेक्शन हमें किसको क्रिएट करना है, फर्स्ट पेज डॉट HTML, फिर आपको बैक टू फॉर्म करना है। और प्लीज याद रखिए कि आपको दोनों पेज, फर्स्ट पेज सेकेंड पेज सबमिट बटन, सब एक ही फोल्डर में सेव करना है। तो अब मैं इसे सेव कर लेती हूँ, फाइल सेव पे क्लिक करके। अब यहाँ पर मेरा फाइल मुझे कहाँ सेव करना है, डी ड्राइव में। देखिए मैंने डी ड्राइव ओपन कर दिया, डी ड्राइव के अंदर HTML प्रोग्राम, तो HTML प्रोग्राम के अंदर फाइल नेम क्या होगा, SECONDPAGE.HTML करके मैंने इसे सेव कर दिया। अब इसे क्लोज करके एग्जिट कर देती हूँ। ये देखिए फर्स्ट पेज सेकेंड पेज, ये दोनों मैं चेक कर लेती हूँ आया कि नहीं। यहाँ पर हमारा जो फोल्डर था, ये देखिए ये हमारा फोल्डर है, इसमें हमने फर्स्ट पेज किया था। मैं इसे डबल क्लिक करके एक बार चेक करती हूँ, ये मेरा फर्स्ट पेज है। अब मैं इस पे कुछ भी डेटा एंटर करके सबमिट बटन पे हम क्लिक करके देखते हैं कि ये एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं। ये देखिए सबमिट बटन पे क्लिक किया तो हमारा सेकेंड पेज जो पहले एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था अब वो एग्जीक्यूट हो गया। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं बैक टू फॉर्म, तो ये मेरा फर्स्ट पेज से कनेक्ट हो गया। आपको फर्स्ट पेज का नाम first.html देना है, और फोल्डर सेम फोल्डर होना चाहिए। सबमिट पे क्लिक करते हैं तो आपका सेकेंड पेज डॉट HTML एग्जीक्यूट हो जाता है। तो इसके साथ हमारा SOP3 कंप्लीट हो गया, दोनों का आउटपुट भी आ गया है। यहाँ पे फोल्डर में देखिए दोनों फाइल हमारे एक ही फोल्डर में सेव किया है। सो आई होप यू एंजॉयड दिस प्रैक्टिकल, थैंक यू।